ये बहुत ही खिली हुई बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्डियो किचन में मेरा नाम है मनीषा आज हम बनाने जा रहे हैं वेज वर्मिसली इसको नमकीन सेवैया भी कहते हैं इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम वर्मि सिली एक मुट्ठी मूंगफली एक आलू बारीक कटा हुआ आधा कप कॉर्न एक टमाटर बारीक कटा हुआ दो प्याज बारीक कटे हुए आधी शिमला मिर्ची साथ में हम लेंगे एक नींबू नमक स्वादानुसार लाल मिर्ची स्वादानुसार हल्दी हाफ टी स्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून साथ ही इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और वर्मी सिली को बनाना स्टार्ट करते हैं कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है ऑयल गर्म हो गया है अब इसमें सबसे पहले मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को थोड़ा सा सेकेंगे मूंगफली अच्छे से तल गई है इसको हम निकाल लेंगे अब इसी बचे हुए तेल में राई डालूंगी मैं एक टीस्पून राई को थोड़ा सा चलाएंगे इसको चटकने देंगे अब इसमें डालेंगे प्याज प्याज को थोड़ा सा गोल्डन होने तक भुनेंगे प्याज थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं अब इसमें मिलाएंगे शिमला मिर्ची और आलू इसको थोड़ा सा चलाएंगे और थोड़ा सा पकने देंगे लगभग एक मिनट तक मैंने इसको पका लिया है अब इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न को इसमें मैंने मिक्स कर लिया है अब इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक देंगे थोड़ा सा कुक होने के लिए लगभग दो मिनट हो गए हैं कि सभी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर इसको मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हल्दी लाल मिर्ची गरम मसाला सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अब इसमें हम डाल देंगे वर्मीसिली को इसको अच्छे से मिक्स करेंगे वर्मीसिली को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें मूंगफली डाल देंगे और एक नींबू जो हमने लिया था वो इसमें निचोड़ देंगे इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें लास्ट में हम पानी डालेंगे इसमें मैंने आधे कप जितना पानी मिलाया है अब इसको हम ढक देंगे लगभग चार से पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग पांच छह मिनट हो चुके हैं इसको हम चेक कर लेते हैं ये बनकर तैयार हो गई है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं ये मैंने बॉल में निकाल लिया है ये बहुत ही खिली हुई बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें थैंक यू